तो आज ना मैं बनाने वाली हूँ घुगनी। तो मैं इधर प्याज काट ले रही हूँ और लहसुन को भी काट लिया है, इधर आलू टमाटर भी काट लिया है। मैं घुगनी जो है ना एकदम सिंपल बनाने वाली हूँ, ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी, एकदम सिंपल सिंपल रखूँगी। एंड मेरा माधव देखो यहाँ पे जली खा रहा है, उसको पहले एक दिया था मैंने जली, लेकिन फिर से उसको ये पूरा लेने आ गया। अब मैंने उससे जली थोड़ा सा लिया, वो मेरे ऊपर एकदम से चिल्ला पड़ा है। उसके हाथ से हम लोग कुछ भी लेते हैं ना तो वो चिल्ला देता है। तो मैंने सरसों का, मैं अभी कुकर में ही बनाने वाली हूँ घुगनी। और आप लोगों को बता दूँ कि जो घुगनी है ना वो पहले भी मैंने एक बार बॉईल कर रखा है, तो फिर से मैं कुकर में ही बनाने वाली हूँ। तो इसमें मैंने डाला है जीरा और सूखी मिर्च और एक तेज पत्ता डाला है। अब वो गर्म हो गया तो उसमें मैंने जो प्याज लहसुन टमाटर इसको भी डाल दिया है। अब इसमें डाला है मैंने धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, नमक, और इसको थोड़ा सा हमने ना मिक्स कर लिया है। उसके बाद ना हमें इसमें डालना है हल्दी। तो अभी नहीं डालूँगी, थोड़ी देर के बाद ही मैं हल्दी इसमें ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि मैं भूल गई थी हल्दी डालना। मैंने इसमें आलू भी डाल दिया है, मैंने दो आलू बड़े बड़े जो आलू होते हैं मीडियम साइज़ के, वो मैंने काट के इसके अंदर डाला है। तो थोड़ा आलू डालूँगी ना तो ग्रेवी ग्रेवी होगा तो अच्छा लगेगा। तो देखो अभी मैंने डाल, हल्दी डालने के बाद ना अब इसको मैं मिक्स करने वाली हूँ, और मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 से 2 बाल्टी पानी। तो देखो यहाँ पे मैंने 1-1.5 बाल्टी मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और अभी इसको ना पकने के लिए हम छोड़ देंगे, कम से कम 3 सीटी होगा, उसके बाद हमारा जो घुगनी है वो बन के रेडी हो जाएगा। और देखो ये लड़का कितना शैतानी करता है, इसके पैर के ऊपर अगर थोड़ा सा भी बोतल गिरता तो कितना चिल्लाता, सोचो हमारे पैर में गिरता है हमें इतना पेन होता है, ये लड़का बहुत ही शैतानी करता है। और मैंने लास्ट में ना थोड़ा सा धनिया पत्ता जो है ना उसको भी काट कट कर लिया है, मैंने इसी में ही डाल दिया है। लास्ट में नहीं डालूंगी मैं, मुझे लास्ट में धनिया पत्ता डालना पसंद नहीं, क्योंकि थोड़ा कच्चा कच्चा रह जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने ना एक साथ बनने के लिए ही छोड़ दिया है। मौसम काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे बिल्लू आ गया है, बिल्लू का बच्चा भी है दो दो। अब वो दोनों बच्चे ना हमसे डरते हैं, लेकिन कभी कभार मैं उसको छूती हूँ, प्यार करती हूँ, तो फिर वो दो आते हैं थोड़ा बहुत करके। अब उनमें उतनी डर है नहीं, लेकिन फिर भी डरते हैं थोड़ा थोड़ा करके। अब जो ये आलू है ना वो आधा बॉयल हुआ है, मतलब 80% बॉयल हो गया है। तो अभी मैंने फिर से थोड़ा सा कुकर का जो ढक्कन है वो लगा दिया है, थोड़ा सा और बॉयल हो जाएगा, मतलब 100% हो जाएगा तो मैं निकाल लूँगी। और अभी जो है ना मैं बनाने वाली हूँ चावल, तो फटाफट से हम चावल बना लेते हैं। और आज का जो हमारा लंच है ना घुगनी और चावल, ओहो मज़ा ही आ गया, सीरियसली बहुत मज़ा आता है घुगनी खाने में मुझे। और मार्केट में ना नॉर्मल ऐसे ही मिलता है, लेकिन हम लोग घर में जो एकदम प्याज लहसुन से बनाते हैं, छुका लगा के बनाते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी होता है। लेकिन मैं अलग से थोड़ा सा अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए निकाल ले रही हूँ। तो देखो इधर मैंने मेरे लिए और मेरे पति के लिए मैंने निकाल लिया है, और मैंने अलग से थोड़ा सा प्याज भी काट लिया है। और इसको ना थोड़ा सा मैं चॉप चॉप करके दूंगी, ऊपर से स्प्रेड करूंगी, जिससे कि थोड़ा और भी ज़्यादा स्वाद आए। और बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ कि तुम प्याज खाती हो। देखो मेरे को नहीं लगता कि प्याज कुछ गलत है, हाँ कि यह है कि मंदिर में जाना नहीं चाहिए प्याज खा के और ना ही लहसुन को खा के। तो मैं अभी तो मंदिर जाने वाली नहीं हूँ, सीधा शाम को ही जाने वाली हूँ मंदिर।